यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के विरोध में उठे सुर। इलाहाबाद की जिला महिला मोर्चा की मंत्री राजेश्वरी पटेल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। केशव प्रसाद आज लखनऊ में संभालेंगे कार्यभार। केरल के कोल्लम हादसे में पुतेंगल मंदिर का स्टोरकीपर गिरफ्तार। 5 को हिरासत में लिया गया। मलबे में अभी भी कई शव दबे होने की आशंका। उठे सवाल, क्या 110 लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक स्टोरकीपर? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हथियारों के दम पर वोट मांगने की कोशिश। बांकुरा में बम और गन से लोगों पर बनाया जा रहा दबाव। सुरक्षा बलों ने बमों को किया डिफ्यूज। दिल्ली में राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के अंदर लूट की बड़ी वारदात। कंट्रोलर को चाकू मारकर 12 लाख रुपए लूटे। घायल कंट्रोलर अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में पार्किंग विवाद में मारपीट। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नेताओं पर आरोप। तो बरेली में भी कार पार्किंग को लेकर भिड़े पार्षद। यूपी के मथुरा में आइसक्रीम खाने से 36 बच्चे बीमार। तबियत बिगड़ने पर सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर में पानी पहुंचाने के लिए सांगली से ट्रेन रवाना। 9 घंटे में पहुंचाएगी 5.5 लाख लीटर पानी की पहली खेप। कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बागी विधायकों की ओर से दिनेश त्रिवेदी और कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल करेंगे पैर। यूपी में पुलिस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। अब 15 मई तक होगी 2013 बैच के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग। लाठीचार्ज के बाद सीएम और डीजीपी ने लिया फैसला। इंडिया 24/7 की खबर का असर।